में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं रेवाड़ी के अंबेडकर चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर के कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज रेवाड़ी आ रहे हैं। वह बाबा भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लेकिन तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी कुछ किसान नेताओं द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाने थे, जिसकी रणनीति किसान नेताओं द्वारा महाराणा प्रताप चौक स्थित नेहरू पार्क में तैयार की जा रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसान नेताओं को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तार करते समय कुछ धक्का मुक्की किसान नेताओं के साथ पुलिस ने की और किसानों को पुलिस बस में हिरासत में ले गई। वहीं एक किसान नेता समय सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें जो गिरफ्तार किया जा रहा है, यह उनके अधिकारों का हनन है। जो हरियाणा का सबसे बड़ा शराब तस्कर है, जिन्होंने कोरोना काल में इतनी भारी शराब की तस्करी करी है, और आज हमारे इन नेताओं को गिरफ्तार करते हैं, नेताओं को बंद करते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन ना झुकेगी, नहीं झुकेगी कभी भी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।